ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामलीला और सितारे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ असरानी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। असरानी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो चर्चा चल रही थी, जैसे कि इंडोनेशिया का मैं जिक्र किया, जावा सुमात्रा, बड़े देशों में रामलीला होती है अपने अपने अंदाज में होती है, और दिल्ली में या उत्तर भारत में सदियों से रामलीला चली आ रही है। ये नया जो रूप बदला है कि अब फिल्मी सितारे रामलीला में करें, आपको लगता है कि एक नई शुरुआत हो गई है रामलीला की, एक अलग स्तर पर अब जा रही है रामलीला? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जैसे अग्रवाल साहब बता रहे थे कि पहले लोग नौजवान लोग आते नहीं थे, बुजुर्ग लोग आते थे कि क्या रामलीला देखनी है, पढ़ी हुई है, मालूम है, सब कुछ है, क्या करना है। मगर ये जो इस तरह से फिल्म कलाकारों को हम लोग पहले आते थे, आरती उतार के चले जाते थे, ठीक था, मगर कलाकारों को इसमें जोड़ना, एक एज एन एक्टर, एक अभिनय के लिए पात्र देना, उनको अभिनय करने के लिए मौका देना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी क्रांतिकारी शुरुआत है जी। और ये क्रांतिकारी शुरुआत इसलिए है कि हमको नौजवानों को लेकर आना है। देखिए, रामायण हमारे खून में है, रामायण महाभारत हमारे पुराण, ये हमारे खून में है जी। तो मगर हमारे जो नौजवान हैं, इनको जो ये जो जनरेशन आई है, उनको फिल्मों में ज्यादा शौक होता है, टीवी पे ज्यादा शौक होता है, तो उनको उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल शुरू की इन्होंने। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, अग्रवाल साहब का, दिनेश जी का, अशोक अग्रवाल जी का, और ये लव कुश कमेटी का, कि इन्होंने ये इस तरह की शुरुआत करके हिंदुस्तान के जितने भी नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां, लड़के लड़के, उनको सबका ध्यान आकर्षित किया है, ये संस्कार उन फिर से जगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी। बहुत बड़ा मैं सम्मान होकर प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसा किया, नौजवानों का ध्यान आकर्षित किया। और कलाकारों का आने से, क्योंकि फिल्म कलाकारों को सिनेमा में देखते हैं, पर्दे पे देखते हैं, ये पे सामने रूबरू मुलाकात का जो मौका कराया आपने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत। और ये ऐसा एहसास कराता है कि देखिए, अब वो कलाकार आपके सामने नारद बनेगा, सुबाहु बनेगा, या मारीच बनेगा, या रावण बनेगा, जिन्हें आप टीवी पर देखते रहे हैं। तकलीफ इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप सिनेमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप रामायण को जानते हैं, समझते हैं, तो उससे जुड़िए भी, और उससे जुड़ने में इससे बड़ी शायद कोई कोशिश नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या, हमारे जो ये लोग सिर्फ कहानियां सुनते थे, नाना नानी से दादा, आज सामने देखते हैं कि चरित्र सामने खड़ा हुआ है, और फिल्मी कलाकार उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, इसलिए क्या पूरा हिंदुस्तान जुड़ गया है। जितने नौजवानों को हमको वापस लाना था, अब उनको संस्कारों को जगाना था, ये रामायण एक बहुत बड़ी कृति है। क्या आप ये मानते हैं इसमें सरानी साहब की, क्योंकि जब आप लोग आते हैं रामलीला में, जब फिल्मी सितारे उस रोल को करते हैं, तो शायद वो लंबे वक्त तक जहन में रहता है यूथ के? बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। देखिए, हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में आज जी, आईपैड पे हैं, उस पर यूट्यूब पे हैं, यहाँ पे, मगर इनको वापस लाना स्टेज पे और इतने बड़े आयोजन का करके उनको उनका ध्यान आकर्षित करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है, और ये नौजवानों के लिए एक संदेश है, हमारे देश के लिए संदेश है कि रामायण से जुड़ने का मतलब है अपनी फैमिली से जुड़ना, अपने परिवार से जुड़ना, हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ना, और हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ने का मतलब जो बाहर विदेश में बेचारे ठहरे होते हैं उनसे भी जुड़ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। दिनेश जी, संक्षेप में, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब इस कोशिश को, जैसा सरानी साहब बता रहे हैं कि हम एक नए स्तर पर ले गए हैं, भविष्य आप क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जो जैसे हमने शुरू में कहा धर्म निरपेक्ष स्थिति, अब उसमें और ताकत आएगी। Correct. जब असरानी जैसा मेरा इस्लामिक भाई ये कहता है कि सारा संसार एक हो रहा है, तो वो तो वासुदेव वटुंबकम कुटुंबकम हरी बात सामने आ गई जी। और ये सारा मैसेज जा रहा है जी, कि इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति यहाँ बैठकर राम जी की प्रशंसा कर रहा है, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि देश का भला होगा, इनटॉलरेंस जैसे जो मामले हैं वो सफा हो जाएंगे और भारत फिर तरक्की करेगा, राम राज आएगा, मेरी तो ये कल्पना है। बहुत अच्छी बात है। असरानी साहब और दिनेश जी अग्रवाल साहब, आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो कोशिश हो रही है, पर इस पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा जाते जाते कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।